तो इस मछली का नाम है फैशा फैशा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटी के है मछलियाँ और यहाँ के लोग खाते हैं, इसलिए आपको भले थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सामने की तरफ देख सकते हो, सामने ये जो मुर्गियाँ हैं ना, देसी मुर्गियाँ हैं। इनको पालने के लिए भी लोग ले जाते हैं और खाने के लिए भी लेके जाते हैं। मछली वछली पकड़ने की, कबूतर रखने की, मुर्गियाँ रखने की, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पान, यहाँ पे पान भी बहुत मिल जाती है। यहाँ के जो ये दुकानें वगैरह है वो भी थोड़े डिफरेंट ही मिलेंगे आपको। देख सकते हो यहाँ पे आप केले की कितनी सारी वेराइटी है केले। सो हे गाइज, आपका भाई ब्लॉगर मंडल भाई आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज वाला वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं वेस्ट बंगाल के लोकल मार्केट में और यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। वही यहाँ पे जो है खाने पीने से लेकर सब्जियों से लेकर नॉन वेज वाले आइटम, जो फिश मटन चिकन वगैरह, वो सारे सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे ना सबसे यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो भाई वीडियो में बने रहना। अभी मैं मार्केट पहुँच चुका हूँ, यहाँ से ही है मार्केट स्टार्ट है, बाकी आपको दिखाता हूँ भाई। बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी फिशेस वगैरह है, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी फिश। क्या नाम है भैया फिश का? रोहू। इसका नाम है रोहू। और देख सकते हो ये वाली कितनी बड़ी बड़ी फिश है, तो इसका नाम है कतला। और यहाँ पे देखो यार अलग अलग तरीके की फिश कौन कौन सी, ये कितनी सारी लंबी फिश है। इधर भी देखो आप कितनी सारी फिशेज है, इधर भी डिफरेंट डिफरेंट फिश मिल जाएंगे। और यहाँ पे काटने का तरीका जो है वो भी अलग है। और ये देखो भाई कितनी बड़ी फिश है, ये देख सकते हो भाई बहुत बड़ी फिश है। ये देखो, देख सकते हो यहाँ पे आप केले की कितनी सारी वैरायटी है केले। और केले जो है ना आपने एक ही तरह खाए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के केले मिल जाते हैं। कौन सा दाम दादा केला? मैंने एक बार एक रेट बोलो। 10 रुपया वाला। 10 टका? 40 रुपया। अच्छा अच्छा, ये 30 रुपया लेगा। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो ये 30 रुपये का पूरा, ये तो यहाँ पे जो ये 30 रुपये का पूरा मिल जाता है। अरे नाम की कोलाटा? देशी माल भोग। अच्छा, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके केले मिल जाते हैं। और ये भैया है, यहाँ पे भैया का ये है दुकान है। यहाँ पे जो है बंगाली लोग जो होते हैं बहुत ही फिश लवर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको हर जगह पे है ना फिश तो मिल ही जाएगा। कोई से मार्केट में चल जाओ, ड्राई फिश से लेकर ताज़ा फिश से लेकर हर एक तरीके फिश मिल जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे ड्राई फिश भी दिखा देता हूँ, ड्राई फिश भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी ड्राई फिशेस, और ये सूखी होती है। कैमन आछो? हेलो, की नाम तुम्हार? उत्तम वर्मन। उत्तम वर्मन, देखो यहाँ पे तरह तरह के फिशेस देख सकते हो। काकू काकू, की नाम है फिश गुलर? की नाम है गुलर? एगुला तो है ना मन भोला बोले। मन भोला ना? हाँ। और एगुला? एगो लो मिसाली। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो ये मछलियाँ है ये मिक्स में, और इसको बोलते हैं मन भोला। मन भोला और ओगुला है? अच्छा, तो इसको बोलते हैं चुपरा। चुपरा? अच्छा चुपरा। अपना नाम की? नारायण वर्मन। अच्छा देखो एक बार, एकटा धोरे देखी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो फिशेज होती है, ये वाली ड्राई फिश होती है। मोबाइल ही दिखाई देते, देख सकते हो ये। तो इस मछली का नाम है फैशा फैशा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटी के है मछलियाँ, और यहाँ के लोग खाते हैं, इसलिए आपको भले थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अरे इटा तो चिंगरी माछ है ना? तो इसका नाम है चापिला। और ये जो झींगे मछलियाँ जो होती है अपने, वो झींगे मछली ड्राई है ये। कोथा है तुम्हारे बारी है नहीं? अच्छा 19 पिशा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पान, यहाँ पे पान भी बहुत मिल जाती है। और आपके और भी दिखाता हूँ कोई यूनिक यूनिक चीज़। तो थोड़ा इधर की तरफ से चलते हैं, अब क्या मिलता है इधर देखते हैं। आज जो है संडे है, तो संडे को ये मार्केट लगता है और थर्सडे को भी लगता है, लेकिन मैं आया हूँ संडे को। आज है संडे और यहाँ पे जो है संडे मार्केट की चीज़ें मिलती है। सब्जी मंडी भी है और बाकी वैसे चीज़ें भी है, कपड़े वगैरह भी है। और इधर आगे आप सब्जी मंडी की तरफ, यहाँ पे सब्जियाँ भी दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली जो सब्जियाँ मिलती है वो तो मिलती है, बाकी थोड़ी अलग अलग सब्जियाँ भी मिलती है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सामने की तरफ जो देख रहे हो ये, और ये गन्ने का है जूस, और यहाँ पे इसको जो हाथों से चलाया जाता है। कतोड़ा आ दादा? 10 टाया गिलास दो। तो ये 10 रुपये गिलास। और ये जो चीज़ है ना, इसमें वो करते हैं मसाले वगैरह पीसने के लिए होता ही है,
बादाम पीसते हैं, लकड़ी भी आती है इसके साथ में। एक यहाँ के जो ये दुकानें वगैरह है वो भी थोड़े डिफरेंट ही मिलेंगे आपको। और यहाँ के जो है चद्दर के ज़्यादातर बनाते हैं, पक्का तो होता ही है बट थोड़ा चद्दर से भी बनाते हैं। यहाँ पे दुकानें थोड़े अलग अलग तरीके की दुकानें हैं, देख रहे हो ना कैसे कैसे दुकान है। और ये सामने ये जो क्या बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ना आप बांस वास के बने हुए, इसमें धान वगैरह चावल वगैरह रखने के लिए होता ही है। और देखो यहाँ पे, और ये सामने जो है ये मुर्गियों का है, जो ये पिंजरा जैसा बना हुआ है ना ये मुर्गियों का होता है। और यहाँ पे तरह तरह की जो चीज़ें हैं, मछली वछली पकड़ने की, कबूतर रखने की, मुर्गियाँ रखने की, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, बैम्बू से बनाया जाता है। और ये पत्ते, ये तंबाकू के पत्ते, ये जो आप देख रहे हो जिससे खैनी वगैरह बनाते हैं। तो सब्जियों वगैरह का दिखा दिया आपको मैंने, आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है कपड़ों का भी शॉप है, तो कपड़े वगैरह जो यहाँ पे मिलती है वो भी दिखा देता हूँ, कंबल वगैरह जो भी चीज़ें मिलती है इधर दुकानें बहुत सारी दिखाता हूँ अभी आपको। तो सामने देख सकते हो यहाँ पे कपड़े वगैरह का भी है, ये देख सकते हो यहाँ पे शूज़ वगैरह, इधर की तरफ शूज़ भी है। इधर थोड़ा है मिट्टी के बर्तन, और देख सकते हो क्या क्या है, मिट्टी के बर्तन है, ये भगवान की मूर्ति वगैरह, और यहाँ पे शादी के सामान वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। देखो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह और शादी की सामान मिलती है इधर इधर की साइड। और इधर है फ्रूट्स का, ये एरिया फ्रूट्स का है, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिलती है। फ्रूट्स वही है नॉर्मली जो फ्रूट्स मिल जाती है, बाकी केले जो है डिफरेंट डिफरेंट केले मिलते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर जो है ये पान सुपारी है, ये देख सकते हो ये पान के पत्ते, सुपारी कटा हुआ सुपारी और कच्चा सुपारी भी है। हाँ वीडियो हमारे पर्सनली रिपोर्ट ना, हमने वीडियो बनाई थी। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग पान खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आपको पान वगैरह हर जगह में मिल जाएगा, पान सुपारी हर जगह मिल जाता है क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। और अभी आगे चलते हैं हम लोग, आगे चल के देखते हैं और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती। और यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें ये सब होलसेल रेट में मिल जाती है। सामने देख सकते हो ये धान है, मतलब जिससे चावल निकलता है वो, और गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी, ये इधर होलसेल रेट में मिल जाता है। और ये जो सामने इनको बोलते हैं पाट, और यहाँ पे देखो चावल वगैरह, चावल क्या अभी तो इसको धान बोलते हैं। तो यार जो मार्केट देखने का जो मज़ा आता है ना भाई, एक्सप्लोर करके काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी कुछ और भी यूनिक चीज़ें दिख नहीं रही अभी। और ये पीछे देख सकते हो ये सारा जो है ये केला ही केला है, कच्चा केला है, बस ये पक जाता है। यहाँ पर सामने की तरफ जो है यहाँ पर मिल रही है मुर्गियाँ जिंदी, यहाँ पर जिंदी मुर्गियाँ मिल जाती है, हंस वगैरह मिल जाती है, बतख सॉरी, तो बतख वगैरह जो मिल जाती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हंस हंस, देखो ये बतख, और ये बतख भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे मुर्गियाँ भी है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये मुर्गियाँ सामने की तरफ देख सकते हो। सामने ये जो मुर्गियाँ है ना देसी मुर्गियाँ है, इनको पालने के लिए भी लोग ले जाते हैं और खाने के लिए भी लेके जाते हैं। दादा रेट को तो अगला रेट को तो रेट हमने को 80 रुपये। अच्छा किलो किलो हिसाब, अच्छा अरे एटा एटा तुम्हार एगला कत रेट? अच्छा एक पीस ना, और कबूतर गुला? अच्छा 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 यहाँ पे किलो हैं, यूट्यूब वीडियो। यहाँ पे मुर्गियाँ बतख और कबूतर सब मिल जाते हैं, रेट मैंने अभी आपको बता दिया। और देख सकते हो यहाँ पे कबूतर की ये समेत मिल जाएगा आपको। और जैसे कि पहले भी दिखाया था बांस के जो ये बनता है, इसमें ये पिंजरे टाइप का रखने के लिए होता है। सो गाइस ये तो था मार्केट का वीडियो जो कि मैंने आपको दिखाया, और इस बार आई होप कि आपको बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिली होगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पर, अभी मैं बैठा हुआ हूँ ई रिक्शा के अंदर, आप देख सकते हो। और यहाँ का जो है ना क्या बोलते हैं मार्केट बहुत ही डिफरेंट है, अब तक मैंने जितने भी मार्केट दिखाए उस सबसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अभी चल रहे हैं हम लोग दूसरे नेक्स्ट लोकेशन पे, वो वाले वीडियो में अलग डालूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकती, ये मार्केट का वीडियो वो अलग है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।